आसा महला पंजवा मान त्रिपतानो मिटे जंजाल प्रभ अपना होया किरपाल। जदो अपना इस विशेष गल कि अपना वाहिगुरु इसलिए अपना प्रभु कृपालु होया क्योंकि होर अपना नहीं है कोई वो तो सब बगाने ने वरत के देख लो किसी नाल भी बगानिया वांगू ट्रीट करता एक अपना वाहिगुरु कहने जो अपना प्रभु कृपालु होया अपने ते तन मन पदार्थां वलों तृप्त होके जंजाल सारे मिट गए। संत प्रसाद भली बनी संतां दी कृपा करके हुण चंगी गल बन गई है। केड़ी कहिंदे ऐसी हुण बन गई है कि जाकै गृह सब किछ है पूर्ण सो भेटिया निरभय धनी रहाओ। जिस परमेश्वर दे घर विच सारा कुछ भरिया पिया है वह निरभय धनी परमात्मा मिल गया। मैं संतां दे कोल बैठा उन्होंने मैनूं दसी ये गल तां तां भटकण नालों रब दा नां लैदा। बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले का जिक्र पहला भी आया कोई जिमीदार से किले दो किले जमीन बेचारे को गरीबी के दिन कट रहा महापुरखों को आके रोन लग पिया मेरा गुजारा नहीं हुंदा कोई कृपा करो तुसी महापुरखों तो माया की दात बख्शो आ करो। कहिंदे माया मंगेगा फिर औखा होएगा। कहिंदे फिर कहिंदे सुखमनी साहब के पंज पाठ करिया करो तड़के तड़के उठ के ना पंज पाठ ऐन हौली हौली बोल के कन्ना नाल सुन के कर। कहिंदे कदों तक कहिंदे जद तक प्रकाश नहीं हो जाता। पांच साल तक वह लग्या रहा पांच साल लगातार पाठ करता रहा पंजा सालों बाद प्रकाश हो गया। कहिंदे वह फिर बड़ी दुनिया से उहदी मानता हुई उहदे को कोई कमी ना रही पदार्थां दी। गुआंढ विच ही उहदा भरा रहिंदा सी उहदी इस्त्री कहण लगी तू मरिया तू इत्थे बैठा रहना सारा दिन जा बाबियां कोल जाके तू भी लिया मंग। वो कहना महाराज मैनू भी संत बना दिओ मेरा भरा संत बन गया दुनिया बड़ी उहदे कोल तां आउंदी आ बहुत पदार्थ आउंदे ने। महापुरख हस के कहिंदे मैं बनाउणा इह तां गुरु की बाणी बनाउंदी है तू पढ़ लै सुखमनी साहब दे पंज पाठ रोज। कहिंदे महापुरख कहिंदे वो फिर चार साल गल गल पानी छप्पड़ च खड़ के रात नूं साढ़े क बारह एक बजे कहिंदे तड़के ही निकलदा सी पंज पाठ ऐन प्यार नाल करके। कहिंदे चार सालां विच उहनूं प्रकाश हो गया कहने ओदी मनता हो गई दुनिया च ओदे ते कृपा हो गई। संत प्रसाद भली बनी महापुरखां दे कोल बह के चंगी गल बन गई कि मैनूं परमात्मा मिल गया उन्होंने मैनूं दसी ये गल विश्राम दे के फरमाउंदे ने नाम दृढ़ाया साध कृपाल मिट गई भूख महाबिकराल। कृपालू संतां ने मैनूं नाम दृढ़ करवाया कोल बह के तां बड़ी भयानक जो पदार्थां दी भुख सी उह तां खत्म हो गई। सो महापुरखां कोल जिवें एक डंगर जे चारण वाला बंदा अयाली जिहा आउंदा हुंदा सी कोई लड़का सी गरीब जिहा चौदह क साल दा सी कहिंदे इह हुण माला कर ली अज कहिंदे हाँ बाबा जी अज कर ली कहिंदे हुण मन टिकदा कहिंदे हुण तां टिकदा जी कहिंदे जी हुण बाबा जी मैं जिहड़ियां तीन माला करन लग पिया हुण ते बाबा जी मैनूं कहिंदे इह भाई पहलां माला तां बड़ियां करदा सी पर सुणदा नहीं कन्नां नाल कहने ग्यारह माला करया करे आखे कहिंदा आखे बनिया तां कुछ नहीं माला तां ग्यारह करदा। तो उस वक्त महापुरख फिर उन्हूं कहिंदे वी जे तूं पहले तरीका सिख लै एक एक मूल मंत्र नूं ऐन प्यार नाल करना सिख कन्नां नाल सुन के कहिंदे हुण इह कन्नां नाल सुन के तीन माला करदा हौली हौली चार पांच छे कहिंदे इह वधाई जाऊगा उहदे नाल फायदा ज्यादा हुंदा। इस करके सतगुरु महाराज कहिंदे ने इह महात्मा ने दृढ़ कराया मैनूं कि नाम ना छड्डी मिट गई भूख महाबिकराल। वह जिहड़ी भयानक भुख सी सारी पदार्थां दी मिट गई मैं बेफिक्र हो गया क्यों पदार्थ आपे ही आउंदे ने मैनूं लोड़ ही नहीं पैंदी कहण दी। ठाकुर अपने कीनी दात जलन बुझी मन होई शांत। जां अपने ठाकुर मालक ने नाम दी दात बख्शी मैनूं पंज प्यारे जदों दिंदे ने उह तां फिर कमाई करन नूं वैसे दिंदे ने तां जिवें आपां किसी थां तों चंगा बीज लियाईए बीज लिया के फिर बीजना भी हुंदा फिर उहदी राखी भी करनी आ फिर बोहड़ लगदा जाके पंज प्यारिआं ने दित्ती आ मूल मंत्र गुरमंत्र इहदा अभ्यास करना पैंदा कई सालां तक बाकी रब दी मर्जी है कई महीनियां विच वी किरपा कर दिंदे ने। कहिंदे फिर जदों दात दित्ती महाराज ने नाम दी जलन बुझी मन होई शांत। वह जिहड़ी विशेवकारां दी सड़न सी अंदरों बुझ गई मन नूं शांति प्राप्त हो गई ठंडा ठार हो जांदा सिर तों लै के नक तों लै के गल तक धुन्नी तक इह
बर्फ नालों भी ठंडा हो जाता, सिर दे विच भी इन्नी ठंड हो जाती है कि बंदा गर्मियों में भी ठंड महसूस करता भी इन्नी ठंड लग रही मैनू। वो इन्नी यही सी नाम की ठंड होंगी जिन काम क्रोध आदिक सब शांत हो जाते हैं, मन टिकाओ च आ जाता। 390 अंग ते महाराज फरमाते ने, मिट गई भाल मन सहज समाना, नानक पाया नाम खजाना। महाराज कथन कर दें जानदा नाम रूपी खजाना जड़ा वह सारे नालों खजाना जनन तो यही है जदों का वह खजाना पाया। कहने उदों तो मेरी जी भाल सी ढूंढ सी सब मुक गई, मन सहज पद विच समा गया। बाहर ढूंढन ते छूट परे गुर घर ही माहे दिखाया था। जो गुरु साहब मिले महाराज कहने कित्थे तुरिया फिरदा, बाहर नहीं गा अंदर देख, वाहिगुरु कह अंदर देख। अपने अंदरों ही खोज करके भाल, दिल मैं खोज दिलै दिल खोजो यही ठौर मुकामा। आसा महला पंजवा, ठाकुर स्यों जाकी बन आई, भोजन पूर्ण रहे अगाई। आसा राग दे पंजवें पातशाह महाराज फरमाते ने जिन्हां दी ठाकुर हुंदा मालक परमेश्वर नाल प्रीति बन आई है, प्यार बन गया, वह पूर्ण ज्ञान रूपी भोजन करके रज गए ने। जो वाहिगुरु नाल प्यार बन गया, कछु न थोरा हर भगतन कहो, हरी दे भगतां नूं कोई पदार्थ की थोड़ नहीं, बहुत तो बहुत पदार्थ, उल्टा वंडन लग पैंदे ने। कित्थे तां खाण नूं आपदे कोल नहीं सी कुछ, हुण वंडन लग पिया क्योंकि वाहिगुरु ने दे ही इन्ना दिता। थात खर्चत बिलछन देवन कौ रहाओ, अपने खाने नूं संबंधियां विच खर्चने नूं ते बिलछत हुंदा आम खास दे देण वास्ते। सो भाव खात हुंदा आप जपना, खर्चना हुंदा वंडना। सो बिलछत इसे प्रकार होरां नूं चारे पासे दे देना। विश्राम दे के फरमाउंदे ने, जा का तनी अगम गुसाई, मानुख की कहो केत चलाई। जिहदा मालक गुसाई परमात्मा आप है, उहदे उपर किसे मनुख दी दसो का की पेश चल सकदी है। जा की सेवा दस अष्ट सिधाई, पलक दिष्ट ताकि लाग हो पाई। जिस परमेश्वर की सेवा दस ते अठ हुंदियां अठारह सिद्धियां करदियां ने, वह परमेश्वर की जद पलक दिष्ट थोड़ी जी कृपा दृष्टि हो जाए तो अठारह सिद्धियां वह जीव की चरणी लग जांदियां आके। दस अष्ट सिधाई हुंदा अठारह सिद्धियां जिस महात्मा की सेवा करदियां ने ताकि लाग हो पाई। कहते उस महात्मा की चरणी जकर जीव लग जाए तो वह महात्मा एक पलक मात्र कृपा दृष्टि निहाल कर देंगे ने। रिद्धि सिद्धि भी कई बार खुश होकर दे देंगे ने। सो जिमें बाबा अठारह सिंह जी होंगे सी ब्लू स्टार चढ़ाई करके, वह महापुरख बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा ने अपने हथों एक कड़ा ला के देता एक बार लोहे का, कहने लै अठारह सिंह कड़ा पा ला। जो कड़ा पाया तो दो रिद्धिया सिद्धियां कोल खड़ गई आके, कहना महाराज ये की, कहते कोई नहीं इन्हों तो कम लै लिया कर। तो उस वक्त तो सारी जिंदगी वो पास ही रही, तो जिहड़ा भी कम लैना हुंदा सी, सेवा करवानी हुंदी सी, होर कई काम वो रिद्धिया सिद्धियां तो कराई जांदा हुंदा सी। इसे तरह महापुरखां दा गड़बई होया। सो जफरवाल पिंड दे सी बजुर्ग, वो अंतम समय तक फिर उन्हां कोल एक रिद्धि सिद्धि महापुरखां दित्ती हुई सी, वो रही, पर वह कहते नाम नहीं जपण दिंदियां, कहते ये तो गल ठीक है। उन्होंने फिर महापुरख बाबा जरनैल सिंह जी खालसा नूं बेनती की, कहने महाराज मेरा ये तो खेड़ा छड़ाओ, कहते ये मैनू हुण नहीं चंगी लगती, एवें लोगों के काम ही करी जाओ, आपका तो कुछ बनता नहीं। फिर महापुरख कहते हस के, कहते हुण उदों तां लैण वेले तां लै ली, कहते हुण गलों नहीं लैंदी तेरे, कहते तुसीं उह गलों लाउणी है। इस करके महाराज ने ताइयों बाणी च कहा, रिद्ध सिद्ध अवरा साध, इच्छा करके लवे तो परेशान कर दिया ने, निरिच्छत आ जान तो सेवा कर दिया ने। जा कहो दया करो मेरे स्वामी, कहो नानक नाही तिन कामी। महाराज कथन करदे स्वामी जिस उत्ते आप कृपा करदे हो उहनू किसी पदार्थ की जिहड़ी है ना कमी कोई थोड़ नहीं रह सकदी। आसा महला पंजवा, जो मैं अपना सतगुर त्याया, तब मेरा मन महा सुख पाया। कहते जदों का मैं अपने सतगुरां नूं त्याया ना, उदों का मेरे मन दे विच बहुत वड्डा सुख आया। पहला तो इधर उधर जरूर मन जांदा सी, पर जब सारे देख ले भी ये तो बगाने जी है, ये तो इन्हों का पता नहीं किहड़े वेले रुस जाण, जे जिहड़े जिने देवी देवता पीर पैगंबर भी है ये भी कई बार रुस जाते हैं, पर गुरु साहब नहीं रुसते। महाराज सच्चे पातशाह का सुभाव तो वह जी मिठ बोलना ही रहिंदा। मिट गई गणत बिनास्यो संसा, नाम रते जन भय भगवंता रहाओ।
मन की जिहड़ी गिणती सी सोच सी सारी खत्म हो गई, संसा भी सारा नाश हो गया। नाम विच रंगे जान करके दास भागां वाला होया। जिहड़े इंसान नामी दे नाम विच रंगे गए ने वह भगवंत का मनो स्वरूप ही हो गए। विश्राम दे के फरमाउंदे ने, जो मैं अपना साहिब चीत तौ पाओ मिट्यो मेरे मीत। जद तो मैं अपने साहिब मालक परमात्मा नूं चेते कीता ये मेरे मित्रो, उदों तो मेरा जिहड़ा डर सी सारा ही मिट गया। जो मैं उठ गई प्रभ तेरी तां पूर्ण होई मनसा मेरी। ये वाहिगुरु, जदों तो मैं तुहाडी ओट फड़ी है उदों तो मेरी जिहड़ी सारी वासना तो भाव इच्छा सी वह तुहाडी कृपा नाल पूरी हो गई। आपने बड़ी मेहर कर दिती, दास दे उत्ते कृपा कीती है। देख चलत मन पए दिलासा, नानक दास तेरा परवासा। ये वाहिगुरु, तेरे कौतकां नूं देख के मेरा जिहड़ा मन है वह धीरजवान हो गया। मैं दास नूं इक तेरा ही भरोसा है। आसा महला पंजवा, अन दिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप मह खाहे मिठाई। सो एक बंदा बाहर जंगल जांदा जांदा रस्ता भुल गया। वह जंगल विच शेर सी, उह तों बचण वास्ते वह आदमी दौड़ पिया। अगे एक खूह सी, सो उस खूह उत्ते एक बहुत वड्डा दरख्त सी जिहदियां टाहणियां बड़ियां लंबियां लंबियां खूह च लमक रहियां सन। उहदी टाहणी नूं फड़ के खूह दे विच लमक गया बंदा। इन्ने नूं शेर भी आ गया। जदों खूह झाती मारी तां हेठां एक वड्डा बहुत भारी सप्प सी खूह दे विच, अजगर जिहड़ा हुंदा बंदा ही खा जांदा। सो उह तों पहलां जरा उपर निगाह मारी तां की वेख्या, उसे टाहणी नूं चूहा चूही टुक रहे ने उत्तों। इह गल वेख के उहनूं चारे पासिओं डर ही डर हो गया। वह डर दे नाल मूधा मूंह करके लमक रहा सी। सो उस दरख्त उत्ते शहद का छत्ता लगा हुआ सीगा। वह शहद दीआं बूंदां डिग डिग के जद मूंह च पईआं तां सारे डर भुल गया। यह दृष्टांत इसे प्रकार सतगुरु ने दस्सिया है। आन दिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप मह खाहे मिठाई। महाराज कह रहे जीव जिहड़ा ना संसार भाव ग्रस्त रूपी खूह च डिग्गिया पिया, ते इहदी अवस्था रूपी लज नूं रात दिन रूपी चूहा टुकी जा रहे ने। उपरों काल रूपी शेर भी भपका मार रहा, ते नरकां रूपी असराल भी है। इसत्री आदि तो जो विशे आनंद आ रहा है इस शहद के टेपिया करके इहनूं सब कुछ डर भुल गए। उही गल महाराज कहने कि इसत्री पुत्र आदिकां ने मूँह चुमन रूप मठियाइया सहत नूं इह खा रहा, शहद चट रहा, मानो एक प्रकार भुलिया पिया रब का नाम। सोचत साचत रहन बिहानी, कहने सोचदियां सोचदियां ते पदार्थां नूं साचत हुंदा कट्ठे करदियां सारी अवस्था रूपी रात ही बतीत हो गई है। इहदी अनक रंग माया के चितवत, कबहू ना सिमरै सारिंग पानी रहाओ। माया दे अनेक रंगां नूं चितवदा रहिंदा। सारिंग पानी हुंदा परमात्मा, परमात्मा नूं कदे याद ही नहीं करदा इह जीव। विश्राम दे के फरमाउंदे ने, द्रुम की छाया निश्चल गृह बंधिया। प्रतख घर शरीर घर, द्रुम हुंदा ब्रिश दी छाया। यह दरखत की छाया समान अनिस्थिर है, प्रतख घर भी ते शरीर घर भी, पर इन्हें निश्चल जान के बन्निया होया है। बिरख की छाया स्यो रंग लावै, वह बिनसा मन पछतावै। यह दरखत की छां वर्गे सारिया चीजा ने बाला चिर नहीं रहिंदियां, बहुता चिर टिकदियां नहीं हुंदियां। यह द्रुम हुंदा ब्रिश दे वांग जो ब्रह्म है, उहदी जिहड़ी छाया जो माया, उहनूं निश्चल जान के उहने इकट्ठियां करन विच ये जीव ने अपना सारा घर बन्निया होया। भाव माया दे इकट्ठी करन वास्ते लक बन के खड़ा है। काल कै फांस सख्त सर संधया। सख्त हुंदी माया, माया विच फसण करके अंत नूं काल ने सर हुंदा बाण, बाण संधया खिच के मारना कीता। काल कै फांस सख्त सर बंधया, सो इस करके काल कै फांस सख्त सर संधया खिच के मारना कीता। माया विच फसण करके अंत नूं बाण संधिया काल ने मारिया लिया के नूं। बालू किनारा तरंग मुख आया, सो थान मूड निश्चल कर पाया। जिवें बालू हुंदा रेते दा किनारा, नदी दे तरंग हुंदे प्रवाह दे मूंह अगे आया होया होवे, पर मूर्ख ने उहनूं निश्चल थां पछाण लिया भी पता नहीं इह इत्थे पक्का ही टिका होया, पर उह तां पता नहीं पिछों पाणी ज्यादे आया एकदम सारा रेता ही रुढ़ जाणा। ये नहीं जानता कि इन्हें हुणे ढह जाना। इसे प्रकार पंजां तत्तां रूपी रेते का किनारा, यह शरीर काल रूपी नदी के मौत रूप प्रवाह के मूँह में आ रहा। 24,000 श्वास रोज निकल रहे ने, पर मूर्ख ने वह शरीर रूपी थान निचल करके जाने।
इस करके सतगुरु फरमाउंदे अगली पंक्ति, साध संग जपियो हर राय, नानक जीवै हर गुण गाए। हुण महाराज कथन करदे ने जिने सतसंग द्वारा हरि राजे नूं जपिया ओह गुरमुख हरि दे गुण गा के जिउंदा। आसा महला पंजवा दो तुके नौ। सो दो तुकियां वाले नौ शब्द आउणगे आसा राग च पंजवें पातशाह फरमाउंदे ने। सो एक दिन गुरु महाराज सिखां नूं नाल लैके बाहर जा रहे सी, राह दे विच इक मुरदा देह वेख के विरागमई उपदेश कीता महाराज ने गुरसिखां नूं। सो ये देही की गल करते, देखो भाई ये देही कैसी है, तेरे नाल बंदा कितना घुल मिल जाता, मेरा शरीर है, ये मेरे हाथ पैर ने, ये मेरी अखा ने, ये मेरा रंग सोहना है। सतगुरु कहने देखो, उनका संग तू करती केल, उनका संग हम तुम संग मेल। उस जीव आत्मा दे संग करके तू खुशियां करती सी, ये देही जदों तेरे विच जीव आत्मा सी, उस जीव आत्मा दे संग करके हमारे तुम्हारे नाल भाव सब दे नाल ही तालमेल सी तेरा। उनकै संग तुम सब को लोरै, उस बिना को मुख नहीं जोरै। उस जीव आत्मा दे संग करके ही तेनू सब कोई चाहुंदा सी, हुण तेरे अंदर जीव आत्मा नहीं रही, देख तेनू जंगल विच सिट के लिया के। उस जीव आत्मा दे संग तो बिना होण करके तेरे नाल कोई मूंह भी नहीं जोड़दा, कोई गल्लां भी नहीं करदा, क्योंकि तेरे अंदर आत्मा ही नहीं रही। हुण ते बैरागी कहां समाए, तिस बिन तुही दुहेरी री रहाओ। ये देही वो विरागमान जीव हुण कित्थे जाके समा गए हन, भाव वह तो हुण कर्म अनुसार किसी होर जूनी चलिया गया, उन्हूं होर देही मिल गई है। ये देह हुण तू उस तो बिना दुहेरी री दुखी हो रही बड़ी। जदों तक शरीर अंदर जीव आत्मा हुंदी है उदों तक ही जीव सुखी हुंदा, जदों जीव आत्मा निकल जाती है तो शरीर नूं जिथे मर्जी सुट दिओ, पानी सुट दिओ, दब दिओ, अग ला दिओ, कहने साड़ दिओ, कोई फर्क नहीं पैंदा। इहनूं विश्राम दे के फरमाउंदे ने, उनकै संग तू गृह मैं माहर, उनकै संग तू होई है जाहर। उन दे नन्ने नूं हलंत लगी होई है, इह उन बोलना दो वारी आया है, हुण पिछे एक वारी आ चुकिया। कहने उस जीव आत्मा दे संग करके तू घर दे विच माहर भाव चौधराणी बनी होई सी, क्योंकि जदों तक शरीर विच जोत सी उदों तक इधर उधर फिरदा, मैं कर देंगा करदा फिरदा सी। उस जीव आत्मा दे संग करके तू सारे प्रसिद्ध हो रही सी। उनकै संग तू रखी पपोल, उस बिना तू छुटकी रोल। उस जीव आत्मा दे संग करके तू पपोल हुंदी, पलोस के रखी जांदी सी। हुण नहीं कोई तैनू साबण तेल लाउंदा मरी पई नूं, तां हुण नहीं तैनू खुशबूआं मिलदा, कोई कपड़े नहीं पाउंदा तेरे। कहने बस वो जीव आत्मा करके तेरी कदर सी ना, उस तो बिना हुण तू छुट्टड़ होकर रुल रही जंगल दे विच डिगी पई है। उनकै संग तेरा मान महत, उनकै संग तुम साख जगत। जदों जीव आत्मा दे संग करके संसार विच तेरा किड्डा मान सन्मान सी, ते वड्डा भारी महत हुंदा, मरातबा हो रहा सी। देही तां भावें राजे दी वी होवे, जदों उहदे विचों निकल गया सारा कुछ, जोत निकल गई, बाद विच तां कहिंदे मिट्टी होई आ। उस जीव आत्मा दे संग करके जगत विच तेरे कई साख संबंधी सी, ये मेरा करदे सी। जदों छड़ दिता शरीर, जीव आत्मा निकल गई, हुण उहनूं नहीं कोई कहिंदा मेरा चाचा है, मेरा ताया, हुण कहिंदे डेड बॉडी है, बस खत्म हो गई कहानी। उनकै संग तेरी सब बिध थाटी, उस बिना तू होई है माटी। ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਸਭ ਵਿਧੀ ਥਾਟੀ ਤੋਂ ਪਾਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਹੁਕਮੇ ਬਾਧਾ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਉਹ ਵਿਰਾਗੀ ਜੀਵ ਮਰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਕ ਰਥਵਾ ਹੋ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਆ, ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੈ ਤਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾਹ। ਇਹ ਜੁੱਗਾਂ ਜੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਜੁੱਗਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਜੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਹੀ, ਕਦੇ ਕੂਕਰ ਦੀ ਦੇਹੀ, ਕਦੇ ਊਠ ਦੀ ਦੇਹੀ, ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦੇਹੀ, ਕਦੇ ਸੱਪ, ਕਦੇ ਕੀੜਾ, ਕਦੇ ਕਿਰਮ, ਕਦੇ ਪੰਛੀ, ਕਦੇ ਦਰਖਤ। ਦੇਹੀ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
इस करके सतगुरु कहते हो तो परमेश्वर के हुक्म च बद्धा होया सारे काम जीव आत्मा करता है। जोड़ विछोड़े नानक थाप अपनी कुदरत जाण आप। वो परमेश्वर आप ही जीव नूं देह दे नाल जोड़दा, कनैक्शन ही करना हुंदा, बस तैयार करके शरीर उहदे च आत्मा पा दिंदे ने। जिहे जिहे शरीर च जिहे जी आत्मा पाती, जे कूकर दे पाती उह अपने आप नूं बंदा कहिंदा, उदों बंदा थोड़ी हुंदा, फिर कहिंदा मैं कूकर आ। जो किरम विच पाती उह किरम है, जदों बंदे दी देही च पा दो कहिंदा मैं बंदा। आप ही थाप दा पालना करदा, फिर आप ही विछोड़दा। वह परमेश्वर अपनी कुदरत जिहड़ी शक्ति नूं आप ही जाणदा है।